माता वैष्णो देवी यात्रा की हेलीकॉप्टर टिकटों के फर्जीवाड़े का पुलिस ने किया खुलासा। सिट की टीम ने बिहार से धर दबोचे तीन छात्र। जम्मू तवी गोल्फ अकेडमी की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल ने खेलों के शौकीनों में भरी नई ऊर्जा। खेल प्रतिभाओं का हर सपना पूरा करने का दिया भरोसा। और पुंछ के बफियाज इलाके के लोगों का सरकार पर फूटा गुस्सा। अनदेखी करने के आरोप में चंडीगढ़ डेरा गली मार्ग बंद कर किया प्रदर्शन। सुनवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को यहां चूना लगाकर उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने वाले तीन छात्रों को कटरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा की टिकटों का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर कई श्रद्धालुओं को चूना लगा चुके थे और लगातार शिकायतें मिलने पर रियासी पुलिस ने इसकी जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट का गठन किया था। और सिट की टीम ने इन तीनों को बिहार से धर दबोच लिया है और इन्हें कटरा लाकर अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जो इस केस में तीन लोग जो मेन एक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट किया। एक कगारिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां के वो रहने वाले थे जिनके नाम मैं बता दूंगा आपको। अशोक मिस्त्री एक है और दूसरे नंबर पे इनमें हमारा लखपति पासवान है, एक संतोष कुमार है तीसरा। ये तीनों वो लोग थे जो इस सारे नेक्सस को चला रहे थे और इसमें जो भी बेनिफिशरी जो भी पैसा था ये एक बड़े तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको निकालते थे। इसके अलावा बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी हमारी चल रही है तो इसमें और लोग भी हो सकते हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर और जो जो इसमें रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा उसको हम अरेस्ट करेंगे और उसका लीगल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलों के शौकीन युवाओं की हौसला बजाई करते हुए उनसे आह्वान किया है कि वो अपने सपने देखना यहां पर ना छोड़ें। उपराज्यपाल ने कहा कि युवाओं में अगर काबिलियत है तो इच्छा भी होनी चाहिए और शक्ति भी, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जम्मू में आज जम्मू तवी गोल्फ अकेडमी का यहां उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में खेलों के शौकीन युवाओं में खूब जोश भरा। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण सरकारी नौकरी से महरूम रहना पड़ा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की नई खेल नीति में इस बाधा को दूर कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू में हाल ही में हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं और इस साल जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेलों पर आधारित 17 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को गोल्फ डेस्टिनेशन बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल से कश्मीर की तर्ज पर जम्मू में भी गोल्फ प्रतियोगिता आयोजित करवाने का मसौदा तैयार करने को भी कहा है। यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सपने देखना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि आपकी हर प्रकार से मदद की जाए और आपकी प्रतिभा को निखारा जाए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के प्रमोशन के लिए पहली बार स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद बनी है। 2014 से हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक न्यायालय के आदेश के कारण या मैं कहूं कि कुछ लोगों की मिली भगत के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। अब जिन लोगों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें गजटेड से लेकर के नॉन गजटेड पदों पर नौकरी देने का अभियान भी शुरू हुआ। अभी आप जम्मू में ही राष्ट्रीय आर्चरी प्रतियोगिता पिछले महीने ही संपन्न हुई है। देश के विभिन्न राज्यों की टीमें आई हैं और इस वर्ष प्रशासन ने तय किया है कि 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल कोरोना के बावजूद भारी संख्या में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स काउंसिल ने लाखों युवाओं को विभिन्न खेलों में
भाग लेने का अवसर प्रदान किया और इस वर्ष भी 7.5 लाख बच्चों को खेल से जोड़ने का, युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं। कोशिश है कि जिस प्रकार टूरिस्ट इन्फ्लक्स के मामले में जम्मू कश्मीर सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, उसी तरह आने वाले दिनों में इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को गोल्फ टूरिज्म के मामले में भी देश के शीर्ष डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। श्रीनगर में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी स्तर का एक टूर्नामेंट अब जम्मू में आयोजित किया जाना चाहिए। सनासर गोल्फ कोर्स का भी पुनरुद्धार मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए। मित्रों, स्पोर्ट्स हमें खेल की विधा के तकनीकी ज्ञान के अलावा एक और चीज देता है, वह है राष्ट्रहित की सर्वोपरि भावना। खेल हमें जो ऊर्जा, जो शक्ति देता है, वो जोड़ने की शक्ति है, रचनात्मक कार्यों की शक्ति है। हमारे बच्चे नौजवान प्रतिभा के धनी हैं, उनमें वो ऊर्जा है जो देश और जम्मू कश्मीर की प्रगति। तो पुंछ के बफलियाज इलाके के लोगों ने सुनवाई ना होने पर अब बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। पठवारखाना बफलियाज से यहां ड्रावर शिफ्ट करने और मुगल रोड पर ट्रॉमा अस्पताल का निर्माण ना होने और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर लोगों ने आज चंडीमढ़ से सुरनकोट व डेरा की गली की ओर जाने वाले मार्ग पर आप देखिए किस तरह से जोरदार प्रदर्शन कर दिया। क्योंकि बफलियाज के लोग हेडक्वार्टर एरिया है बफलियाज का, जहाँ पे नायब तहसीलदार बैठता है, अगर वहाँ के लोगों को सफर करना पड़े 4-5 किलोमीटर दूर जाके पटवारी से साइन करवाना पड़े तो ये तो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि पीएचई के डिपार्टमेंट के हवाले से था कि हमारी जो मेन मस्जिद है बफलियाज में, जामिया मस्जिद जो है, वहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से पानी जो है वो बंद है और वहाँ की जो आवाम जो है कितना सफर कर रही है। रमजान का टाइम है, अगर आज भी वहाँ पे मस्जिद में पानी ना हो, लोगों को सफर करना पड़े तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट है वो कोई काम करके ही राजी नहीं है। जहाँ पे कोई डिसमेंटल पाइप्स हैं या कोई ब्लॉकेज है, कोई भी काम करके राजी नहीं है, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। इसलिए ट्रॉमा हॉस्पिटल की अरसे दराज से वो भी मांग की जा रही है लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुई है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो बिछड़ा हुआ एरिया, एक फार फ्लंग एरिया है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इस तरीके से लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। भद्रवाह के गोवाड़ी इलाके के यहां जंगल में आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से सनसनी फैल गई और इस जंगल में अचानक ही आग की लपटें उठते हुए देखी गई, जब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पास के स्थित सेना के कैंप को दी है और देखते ही देखते सेना और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जवानों के मौके पर पहुंचने तक जंगल के करीब 300 मीटर हिस्से को बेहद नुकसान पहुंच चुका था। आकर यहां पर इसका मौका देख लिया और अगर आर्मी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, फायर ब्रिगेड वालों का भी शुक्रिया और यहां की पब्लिक, यहां के जो ये लोग आसे पासे में रहते हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आग को बुझा दिया। तो ऐसा है कि आग अचानक, हम भी तो नहीं थे यहां पर, लेकिन अचानक धुआं दिखाई दिया तो मुझे यहां किसी ने फोन किया कि कहते ये ज़मीन जो है ये हमारी ज़मीन है, तो इस ज़मीन को कहते आपने तो उधर कोई आग तो नहीं लगाई है। मैंने कहा यार हमने क्यों लगानी थी, तो बात ऐसी है कि उधर कहते कोई धुआं बहुत आ रहा है। तो मैं उधर से निकला तो मैंने देखा बाहर से तो धुआं बहुत था। जब तक मैं दौड़कर यहां तक पहुंचा तब तक ये मकामी लोग जो थे यहां पर सारे, फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए थे, आर्मी वाले यहां पर पहले थे, वो इस आग को बुझा रहे थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन लोगों ने इनको आग को बुझा दिया, वरना यहां तो ये 300 मीटर। आयशर मोटर्स ने जम्मू के बाजार में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मोटर्स के कमर्शियल वाहनों की यह संपूर्ण रेंज अब जम्मू में भी उपलब्ध है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को आफ्टर सेल्स, यहां पर आप देखिए, सर्विस देने के लिए, यानी सेल्स के बाद आपको सर्विस के लिए भी अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहां पर सुविधा सामने रखी गई है। कंपनी जो है वो कठुआ, सांबा और चंद्रकोट में भी सर्विस सेटअप मुहैया करवाने जा रही है और मुख्य सर्विस सेटअप की सुविधा बारी ब्राह्मणा में भी दी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी 6 अप्रैल को 42 साल यहां पर पूरे हो चुके हैं और आज अपनी इस तारीख में देश की सबसे बड़ी प्रतिभाशाली पार्टी यहां पर वो बन गई है। तो भाजपा ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए छूने से सफर से यहां शुरुआत की थी, जिसने आजादी के बाद भारतीय जनसंघ से आगाज किया और भारतीय जनता पार्टी बनते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद डाली गई। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है और भाजपा के जम्मू मुख्यालय में आज प्रमुख कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अगुवाई में प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस की परंपरा को निभाया। और भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प है राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेना के जवानों की तरह अपने देश की सेवा और रक्षा करते हैं। सेना के जवान वर्दी में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना वर्दी के भारत माँ के सैनिक की तरह राष्ट्र सेवा का कार्य करते हैं। ये दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी और गर्व का दिन होता है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार आज पूरे भारत में कोने कोने में है और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 18 करोड़ से जिसके ऊपर सदस्य हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध और राष्ट्र सेवा के लिए कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को एवं समर्थकों को मैं हृदय की गहराई से बधाई देता हूं। उधर भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ मंडल और चक्रोही मंडल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी स्थापना दिवस पर जहां बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया, उसी के साथ नई दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे और इस मौके पर उनके साथ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह चिव, मंडल प्रधान घार सिंह और उनके साथ पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उधर सोपोर में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया और इस संबंध में सोपोर के बगुरा इलाके में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम मोहिद्दीन सोफी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भाजपा की उपलब्धियों पर चर्चा की और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर भी बल दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं सिर्फ मोदी जी की वजह से और जिस जो उसने जो फ्लैगशिप स्कीम्स यहाँ पर राइज किए हैं उसने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जो जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड लिया है वो भी आ रहे हैं, उनको मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ये जो भारतीय जनता पार्टी यही एक पार्टी है जो लोगों की भला के लिए। पुंछ के डीसी इंदरजीत के दिशा निर्देश पर आज नायब तहसीलदार और ईओ की अगुवाई में आज यहां मुनाफाखोर दुकानदारों पर शिकंजा कसने के साथ साथ अतिक्रमण को भी हटाया गया। दरअसल नवरात्रों और रमजान के इस मौके पर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि कई दुकानदार उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं और साथ ही साथ बाजारों में अवैध रूप से लगी हुई रेहड़ियां भी लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इन्हीं के साथ आप देखिए कि शिकायतों के आधार पर आज प्रशासन ने पुंछ में मुहिम चलाकर अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस ड्राइव में पहले तो हमने देखा कि जो मुनाफाखोरी में मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ हमने चलान जो है वो चलान किए हैं और सख्त वार्निंग जो है वो इशू किया है। दूसरा ये रहा कि जहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्होंने रेहड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल रोड में लगाई हुई हैं, ये बात सच है कि लोगों को चलने में बहुत दुश्वारी आ रही थी, तो वो रेहड़ियाँ हमने वहाँ से हटाई हैं। आपके ज़रिए से हम यहाँ के शहरियों से गुजारिश करते हैं कि ये शहर आपका है, ये शहर जितना खूबसूरत होगा इतनी आपकी इज्जत है, तो इतनी हमारी भी इज्जत है।
इसको खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करें। आपके जरिए से हम दोबारा शहरियों को गुजारिश करते हैं कि अपना सामान जो है अपने शटर के अंदर रखिए और जो इंक्रोचमेंट है उसको खुद बहुत हटाइए, वरना एडमिनिस्ट्रेशन को कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को दोबारा से निशाना बनाए जाने के विरोध में जम्मू में आज इस समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल यूथ इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले यहां प्रदर्शन जो है वो किया गया और प्रदर्शन में कश्मीरी पंडितों ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए देश के प्रधानमंत्री से अब इस आतंकी मुल्क से हिसाब चुकता करने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान आरके भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। कश्मीर वैली के अंदर जो पनप रहा आतंकवादी है वो दोबारा से माइनॉरिटी और नेशनलिस्ट फोर्सेस को किलिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी से कि अब आप किसका वेट कर रहे हैं? ये समय आ गया है कि आपको पीओके के अलावा ये समय आ गया। तो श्रीनगर के खनमोहा इलाके में बीते 9 मार्च को सरपंच समीर अहमद के हत्यारे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां मौत के घाट उतार दिया है और साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने समीर अहमद की मौत का बदला लेते हुए इन दोनों आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आतंकियों की पहचान अंसार गजावतुल हिंद का आतंकी सफत मुजफ्फर सौफी उर्फ माविया और लश्कर ए तैयबा का आतंकी उमर तेली उर्फ तलहा के रूप में की गई। दरअसल अवंतीपुरा के त्राल इलाके में आतंकियों के देखे जाने के बाद एसओजी सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने जहां संयुक्त अभियान चलाया हुआ था, जब सुरक्षाकर्मी यहां आतंकियों की तलाश में अभियान चलाए हुए थे तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने जवाबी कार्यवाही से पहले दोनों आतंकवादियों को आप देखिए किस तरह से यहां पर खदेड़ा गया है, यानी आतंकियों की जो गोलाबारी थी उस पर किस तरह से आप देखिए सुरक्षा बल काम करते हुए नजर आए। उसी वक्त सुरक्षा बलों ने कमर कसी और पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया। उमर तेली और सफात दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद सिविलियन किलिंग टारगेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया, उसमें एक टूरिस्ट मारा गया, फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टूरिस्ट मारा गया है। तो एक से एक जो सरपंच अपने समीर साहब थे खुनमु में उसमें किलिंग था, ग्रीनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था, बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टूरिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टूरिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। हाल ही में पुलवामा में कुछ प्रवासियों पर हुए हमले के आरोपी यहां आतंकियों को मार गिराने के लिए सरगर्मी से यहां तलाश उनकी की जा रही है और कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक इन आतंकियों की पहचान कर ली गई है और अब वो बच नहीं पाएंगे। आईजी ने यह भी बताया कि सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और प्रवासियों के साथ साथ शोपिया में कश्मीरी पंडित पर हमला करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके इसके लिए अभियान छेड़ दिया गया है। आईजी ने कहा कि पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल तक अगर मार्च की बात करें तो 4 महीनों में करीब 66 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है और यही वजह है कि आतंकी संगठन अब बौखलाहट अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट हुआ जिसमें और सर दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ है ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गांव में माइनॉरिटी पिकेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां जहां नहीं है वहां हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल देखिए आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए जिसमें जेएस महमूद एलईटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इससे बोखला के ये लोग सब टारगेट को टारगेट कर रहे हैं लोग। इस महीना भी हम लोग सक्सेस मिल रहा है, आज इस महीना अभी तक 3 टेररिस्ट मारे गए और 2-3 को अरेस्ट कर लिए हम लोग। हम लोग इस टाइम से सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, सारे जितने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे।
कोर्ट के दिशा निर्देश पर सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपने चुनावों का ऐलान कर दिया है और यूनियन ने आज कोर्ट का आभार जताते हुए चुनाव यहां पर हो इसकी पूरी प्रक्रिया घोषित कर दी है। सफाई कर्मचारी एकता यूनियन के प्रधान राजेश गिल ने बताया कि 11 से 13 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे और 29 अप्रैल को चुनाव करवा दिए जाएंगे। आज 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकालने कि इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस करने जा रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म 11 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक 3 दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे टाउन हॉल में, और जिन्होंने विड्रा फॉर्म लेना है वापस करना है वो 14 तारीख को विड्रा करेंगे, और 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इलेक्शन होगा, उसी दिन रिजल्ट होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हॉनरेबल मेयर साहब को, वर्दी कमिश्नर मैन को, कि आज के आज ही आप यूनियन ऑफिस जो है लॉक करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा आरिसपुरा के गांव कत्याल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता ध्यान सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने जोरदार स्वागत किया। और इस अवसर पर ओपी खजूरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के यहां पर जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग यहां राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ पंच सरपंच भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।